हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। आज 5th मंथ में जो स्कैन होता है वो स्कैन है, और एक बार तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्हें कुछ कुछ बेबी के पार्ट्स दिखे, उनको सर्वर नहीं दिखा तो उन्होंने कहा कि बेबी पोजीशन में नहीं है, यू हैव टू वेट। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ, 1 घंटा तो ऑलरेडी वेट करते हुए हो गया है। उसके अलावा भी अभी उन्होंने 1 घंटा और वेट करने के लिए बोला है, और उन्होंने बोला कि मोस्टली 1-2 घंटे के अंदर बेबी की पोजीशन चेंज होती है, तो उसके बाद में फिर वापस उनको हेड और हार्ट उनको देखना है, और एक आधा कोई और मेजर पार्ट है जो उनको नहीं दिखा बिकॉज ऑफ द बेबी पोजीशन। तो अभी का तो यही है, तो ऐसे ही बस मैं उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वॉक वगैरह करो जिससे कि बेबी की पोजीशन चेंज होगी, और कुछ खाओ या फिर वॉशरूम वगैरह जाओ, इस तरह से कुछ कुछ एक्टिविटी करो। और उन्होंने बोला वैसे कुछ नहीं भी करोगे तो जनरली भी 1 से 2 घंटे के अंदर बेबी की पोजीशन चेंज होती है। तो बस अभी तो 5th मंथ के स्कैन के अंदर इतना ही हुआ है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर 2 अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है, एक तो 3rd मंथ में होता है और एक 5th मंथ में होता है। तो जो ये 5th मंथ का स्कैन होता है, ये बच्चे की शारीरिक विकास, उसकी मतलब कि उसकी ग्रोथ और उसकी पूरे के पूरे जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको एकदम ऐसे पूरा का पूरा बारीकी से देखा जाता है स्कैन के अंदर। उसके सारे एक एक पार्ट को देखा जाता है, उसकी हाइट, उसका वेट, और उसके अलावा बेबी का जो सर है उसके उसका जो हाई मतलब हाइट वगैरह है, उसके फेस का लंबाई एंड ऑल। तो और उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबको देखा जाता है, और फिर आपको बताया जाता है कि उनको क्या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या नहीं कर लग रहा। प्लेसेंटा को देखा जाता है और ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है वो सब देखा जाता है। तो 5th मंथ का जो ये स्कैन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कैन माना जाता है, और ऐसा भी रिकमेंडेड है कि आपको ये स्कैन कराना चाहिए, इस स्कैन को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। जो 3rd मंथ का स्कैन है वो भी इम्पॉर्टेंट है और 5th मंथ का स्कैन भी इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्टली तो 2 ही स्कैन होते हैं किसी भी प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये वीडियो तो अभी थोड़ा पुराना है क्योंकि अभी तो 7th मंथ चल रहा है और ये 5th मंथ का वीडियो है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा फेस है वो कितना ज़्यादा डल है, और होंठ भी कितने सूखे सूखे से हैं, और ओवरऑल भी कोई ग्लो नहीं है स्किन के ऊपर। तो मुझे बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वॉमिट के कारण और सारा दिन जी घबराने के कारण तबीयत वगैरह उतना ठीक नहीं रह रहा था। तो सिर्फ एक यही इशू था, बट ये इशू भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। तो इस इशू के कारण ही मतलब ऐसे काफ़ी डननेस रहती थी मुझे हमेशा से।